हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लेपर्ड लिली के बारे में। ये प्लांट दिखता सैक्यूलेंट की तरह है, लेकिन ये लिली फैमिली से है और बहुत ही इसके लीव्स कितने खूबसूरत हैं। इसके लीव जो हैं वो डॉटेड हैं, स्पॉट हैं, पूरा लेपर्ड की तरह से दिखते हैं। इस वजह से इसका नाम लेपर्ड लिली होता है। इसे सिल्वर स्क्वेल या और भी इसके नाम है उसे पुकारा जाता है। जो सॉइल है वो हमें बहुत पोरस तैयार करनी चाहिए। 50% आप गार्डन सॉइल लें और उसमें से 30% आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो। जो 20% है वो आपको सैंड लेना है। ज़्यादा अगर हम इसमें अगर सॉइल हमारी नॉर्मल रहेगी, अगर सिर्फ हम सॉइल में लगाएंगे तो वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन बन जाती है, इस वजह से प्लांट खराब हो जाता है। इसलिए इसमें हमें सॉइल, इसका मेन खास ध्यान हमें इसमें सॉइल का रखना पड़ता है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर जब हम इसे जिस भी पॉट में लगाएं, पहले तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम नया प्लांट लेके आएं तो एक छोटे से पॉट में लगाएं। उसके बाद जब ये प्लांट थोड़ा घना हो जाए या बढ़ जाए तो फिर हम इसे दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं नर्सरी से। तो एक छोटा सा प्लांट था ये और अभी ये मल्टीप्लाई हो गया है, तो मल्टीप्लाई होने में इसे टाइम नहीं लगता है। बहुत ही ईजिली कुछ महीनों में ही वो पूरा पॉट मेरा ये भर जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता है, ग्राउंड कवर पूरा कर लेता है। पूरा ये जो मेरा गमला है ये कुछ दिन में पूरा भर जाएगा, ऐसा ये प्लांट है। तो हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा, अगर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन की। तो जैसे मैंने बताया, इसमें बल्ब होता है, बल्ब के थ्रू ये प्रोपोगेट होता है। और इसका जो बल्ब है वो बिल्कुल लहसुन की तरह दिखता है। और एक बल्ब छोटा सा भी अगर आपको मिल जाता है तो लगाने से काफ़ी सारा प्लांट इसमें से बना सकते हैं। और अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सिंपली से वर्मी कंपोस्ट भी अगर बीच बीच में देते रहते हैं 2-3 महीनों में एक बार, तो भी ये प्लांट बहुत अच्छा सरवाइव कर लेता है, बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसमें फ्लावरिंग भी होती है, बहुत ही खूबसूरत सी एक लंबी सी स्टिक निकलती है और उसमें व्हाइट कलर का फ्लावर खिलता है। साल में 2 बार इसमें फ्लावरिंग होती है। अभी तो मेरे इस प्लांट में नहीं है फ्लावरिंग, लेकिन और अगर आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, इंडोर भी ये बहुत अच्छे से चलता है। बस ये है कि प्रॉपर वहाँ पे लाइट आए, बहुत तेज़ धूप में बहुत सनलाइट इसे पसंद नहीं है। सनलाइट में ये लीव्स इसकी बर्न होने लगती है और प्लांट भी ख़राब होने लगता है, पौधा गलने लग जाता है। तो आप इसे इंडोर रख सकते हैं या आउटडोर भी अगर रख रहे हैं तो शेड में रख सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लांट्स के बारे में जानकारी हो, कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये चीज़ें पता चलें, ताकि लोगों का पेड़ पौधों की तरफ रुझान बढ़े, उनका शौक बढ़े और लोग अपना इन्वायरमेंट और अपने आप को हेल्दी रख सकें। थैंक यू।